सुल्तानुल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहलीबंडा हैदराबाद एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी बाईपीसी सीईसी एमईसी एमसेट एंड नीट इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005 अफोर्डेबल फीस स्पेशियस क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड लैब्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीनिक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट सुल्तानुल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहलीबंडा हैदराबाद वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। उमरा परमिट 4 जून तक ही जारी होंगे, सऊदी अरब की हज मिनिस्ट्री का ऐलान। उमरा जायरीन को 18 जून के बाद मक्का मुकर्रमा में दाखिले की नहीं होगी इजाजत। हिजाब और नकाब के खिलाफ मुहिम छेड़ने वालों के मुंह पर ब्रिटिश एयरवेज का तमाचा। ब्रिटेन की कौमी एयरवेज में आज से हिजाब का ऑप्शन वाली यूनिफॉर्म का भी होगा इस्तेमाल। शीरीन मजारी समेत दिगर लीडरों के पार्टी छोड़ने पर आया इमरान खान का रद्द अमल। कहा, मेरे लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे, उन्हें जबरदस्ती ऐसा करने पर किया जा रहा है मजबूर। कर्नाटक में कांग्रेस आई एक्शन में, सीएम सिद्धारमैया ने की सीनियर पुलिस अधिकारियों के हमरा मीटिंग। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। नई पार्लियामेंट की इमारत के इनॉग्रेशन का अपोजिशन ने किया बायकॉट। संजय राउत ने कहा, सिर्फ पीएम मोदी की ख्वाहिश पर बनाया गया नया संसद भवन। और 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले को अधीर रंजन चौधरी ने बताया ना समझी भरा फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये मोदी नहीं पागल मोदी है। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब की हज मिनिस्ट्री ने कहा है कि उमरा परमिट 4 जून तक जारी होंगे। सऊदी मीडिया ने हज व उमरा मिनिस्ट्री के बयान के हवाले से बताया है कि आजमीन हज के परवाजों का आगाज हो चुका है। हज सीजन से कबल उमरा परमिट के इजरा की आखिरी तारीख 4 जून 2023 है, उसके बाद उमरा परमिट जारी नहीं होंगे। इस तारीख के बाद मस्जिदुल हरम सिर्फ आजमीन हज के लिए मुख्तस होगी। इससे पहले वजारत हज ने बयान में कहा था कि उमरा वीजे पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं है। उमरा जायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख 18 जून है। वाज़ह रहे कि मक्का मुकर्रमा में परमिट के बगैर मुकीम गैर मुल्कियों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद है। काबिज इसराइली फौज की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अल-अक्सा के सहनों पर धावा बोल दिया। मकामी ज़राए ने मरकज इत्तला'आत फ़लस्तीन के नामा निगार को बताया है, जिसने ये खबर पहुंचाई है कि काबिज फोर्सेस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने मंगल को अलसबा मस्जिद अक्सा के सहनों में धावा बोला और जगह जगह फैल गए। इस दौरान काबिज फौज की मौजूदगी में आबादकारों ने तलमूदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात भी अदा की हैं। दुनिया भर में हिजाब और नकाब के खिलाफ मुहिम छेड़ने वालों के मुंह पर ब्रिटिश एयरवेज ने तमाचा रसीद कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन के नेशनल एयरवेज कंपनी ब्रिटिश एयरवेज ने हिजाब ऑप्शन के साथ नया यूनिफॉर्म मुतारिफ करा दिया है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज ने नया यूनिफॉर्म मुलाजमीन में तकसीम करना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि हिजाब को सकाफती और मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए आरामदेह और सहूलत के लिए डिज़ाइन किया गया। बरतानवी फिजाई कंपनी के इस यूनिफॉर्म में गुज़िश्ता करीबन 20 साल में ये पहली बड़ी तब्दीली की गई है। इसमें मर्दों के लिए तैयार करदा 3-पीस सूट और ख़वातीन के लिए कई ऑप्शंस शामिल हैं।
इनमें ख्वातीन अमले के लिए एक जदीद जंप सूट भी मुतारिफ करवाया गया है और ये किसी भी एयरलाइन में मुतारिफ कराया जाने वाला अपनी नौइयत का पहला लिबास है। इस नए यूनिफॉर्म में हिजाब का ऑप्शन और आधी आस्तीन वाली शर्ट भी मौजूद है। ब्रिटिश एयरवेज के इंजीनियर्स और ग्राउंड अमला सबसे पहले नई यूनिफॉर्म पहनेगा। इसके बाद जहाज का कैबिन क्रू, पायलट और चेक इन एजेंट्स मरहलावार तरीके से नया यूनिफॉर्म ज़ेब-तन करेंगे। इस्लामोफोबिया का शिकार बने अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाज बरतने की शिकायत 46% बढ़ गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम अमेरिकन इस्लाम राबता काउंसिल की न्यू जर्सी की ब्रांच ने एक सालाना हुकूक इंसानी की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल न्यू जर्सी में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखने का तनासुब 46% बढ़ चुका है, जिसमें मुसलमान तलबा के खिलाफ ज़्यादती, मुस्लिम मुखालिफ कंटेंट और टीचर्स के खिलाफ मुतासिबाना रवैया सरफहरिस्त है। रिपोर्ट लिखने वालों का कहना है कि 9/11 के बाद से अमेरिका में खुलेआम मुस्लिम मुखालिफत का प्रोपेगंडा 20 साल गुजरने के बावजूद जारी है, जो कि अब तासुबाना रवैये में बदल चुका है। इसराइल ने ईरान के मुबैना जौहरी प्रोग्राम को लेकर फिर एक मरतबा हमला करने की धमकी दे दी है। इसराइल की मुसलह अफवाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालियुब ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान ने यूरेनियम को अफजोदा करने की सलाहियत में पहले से कहीं ज़्यादा तरक्की की है, जो फौजी कार्रवाई की वजह बन सकती है। इससे पहले इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के कौमी सलामती के मुशीर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया, ताहम ईरान की नई ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब की खुदाई से पैदा होने वाले किसी भी फौरी ख़तरे को ख़ारिज़ इम्कान करार दिया है। काबिल ज़िक्र है कि आलमी ताकतों की ईरान पर यूरेनियम अफजूदगी की सरगर्मियों पर नई पाबंदियों और बम बनाने की सलाहियतों पर नज़र रखने वाले दिगर मंसूबों पर मज़ाकरात की कोशिशें अब तक बेनतीजा रही हैं, जिसकी वजह से इसराइल एक तवील अरसे से ईरान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ कार्रवाई की धमकियां दे रहा है। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कल बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने पार्टी और सियासत को ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सियासत छोड़ देने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा कि अब मेरे बच्चे, वालिदा और अपनी सेहत को तरजीह देनी है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती इदारों को निशाना बनाने की सबको मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 5 महीने पहले मेरे शोहर का इंतकाल हुआ था और मैं सियासत में मसरूफ थी, जिसकी वजह से मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अब फैसला किया है कि मैं सियासत ही छोड़ दूंगी और अपना वक्त अपने घर पर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी है दो बातें करने के लिए। पहले ये कि मैं 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है और क्या कहते जमा भी करवा दी है, और ना सिर्फ 9 और 10 मई खसूसन उसकी तो बात कर रही हूँ, लेकिन हर किस्म का वायलेंस हमेशा से कंडेम किया है। ख़ास तौर पे जो स्टेट रियासती सिंबल्स होते हैं, जैसे GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा है कि लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनसे ज़बरदस्ती छुड़वाई जा रही है। इस्लामाबाद में साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से पूछे गए एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस तरह कभी जमातें ख़त्म नहीं होती, पार्टी इस तरह ख़त्म होती है जैसे पाकिस्तान जमहूरी तहरीक यानी PDM ख़त्म हो रही है।
एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे अपनी पार्टी की खातून कारकुनों की गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा दुख है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे देखते हैं मजीद अहम खबरें। कर्नाटक में हुकूमत बनाने के बाद कांग्रेस अब अपने वादों को लेकर आगे बढ़ रही है। सीएम सिद्धारमैया ने सीनियर पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग में कहा कि पुलिस थानों के अंदर होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दो मजहबों के दरमियान नफरत पैदा करने वाले इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है। मते कानून पालने माडुवागा आ धर्म ई धर्म अंत नोडकूडदु एल्ल जनरन्नु कूड समानवागि काणतक्कंतद्दु समान रक्षणे कोडतक्कंत केलस माडबेकु अदेल्ल मोरल पोलिशिंग इल्ल इन्नो नो मोरल पोलिशिंग यू विल पुट एन एंड टू दिस। कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस की नज़र मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन पर है। ऐसे में यहां सियासी गर्मी बढ़ गई है। अब एमपी की भाजपा हुकूमत के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तंज किया है। डी और के पहले से कहे यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी, बर्बाद कांग्रेस करने को दो ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए। कमलनाथ जी अगर विश्वास करना है तो उस डी के पे मत करो। आदरणीय परचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं, इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में, अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता। मोदी हुकूमत के दौर में बनाई गई नई पार्लियामेंट की इमारत के इनॉग्रेशन तकरीब का कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बायकॉट किया है। 28 मई को होने वाले इस इफ्तिताही तकरीब पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा कि सबसे पहले हमने ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए थे। हमने कहा था कि जब मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो देश को ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पीएम मोदी की ख्वाहिश पर बनाया गया है। पार्लियामेंट की पुरानी इमारत अभी 100 साल तक चल सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस इस मामले पर मोदी हुकूमत पर तनकीदी हमले कर रही है। ऐसे में सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस फैसले को इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल गलत करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मोदी नहीं है लेकिन पागल मोदी है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोट को बंद करने का फैसला नासमझी भरा है, उनको ये फैसला नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लोकसभा इलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही अपोजिशन पार्टियों का चेहरा होगी। 2000 के नोट बदलने के फैसले पर तंज व तनकीद करते हुए कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने बताया कि इस फैसले की वजह से बैंकों का काम सिर्फ नोटों का बदलना ही रह जाएगा और दीगर और काम वो कर ही नहीं पाएंगे। देश में इस समय 181 करोड़ 2000 के नोट है, तो अगर हमें इनको एक्सचेंज कराना है तो मान लेते हैं एक आदमी एट ए टाइम 5 नोट एक्सचेंज कराता है, मान लेते हैं, तो कितने ट्रांजैक्शन होंगे? टोटल ट्रांजैक्शन होंगे 36 करोड़ बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे, 36 करोड़ इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। एक ट्रांजेक्शन में मैं मान लेता हूं 4 मिनट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स। तो अगले 4 महीनों में बैंकों के 144 करोड़ मिनट सिर्फ किस काम में लग गए कि 2000 के नोट जो भी ला रहा है उसको या तो 4-500 के दो
या 20 2000 के 100-100 के दो या 40 50-50 के दो, तो लगभग 144 करोड़ मिनट अर्थात लगभग 2.5 करोड़ घंटे बैंक के ब्रांचों के अगले 4 महीनों में नोटों की अदला बदली में चले गए। बैंकों का काम क्या था? नया क्रेडिट देवे ताकि नए रोजगार का सृजन हो, नई जीडीपी देश में बने, लोगों के इनकम बढ़े। अब बैंकों का काम आपने क्या करा दिया? क्रेडिट छोड़ दो, नए क्रेडिट देने की, नए लोन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको क्या करना है, 2.5 करोड़ घंटे अगले 4 महीने में देश के सारे बैंक नोटों की अदला बदली में डालेंगे। तो क्रेडिट ऑफ टेक नहीं करेगा तो रोजगार के नए सृजन नहीं होगा, नए रोजगार के रियल इनकम देश में लोगों की नहीं बढ़ पाएगी, लोगों की इनकम वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि बैंक क्रेडिट विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट बिकॉज 2.5 करोड़ आवर्स अप्रोक्सीमेटली विल बी लॉस्ट इन जस्ट एक्सचेंज ऑफ रुपीज 2000 नोट। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल समेत दिगर आप लीडरों के हमरा मीटिंग करने के बाद बयान दिया कि बीजेपी हुकूमत अपोजिशन की सरकारों को चलने नहीं देना चाहती है। फॉर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट, ईमानदारी से जनता को, चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इवन अरविंद जी का गवर्नमेंट का, हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन सेव द कंट्री, सेव दिस कंट्री नाउडेज। इवन मीडिया इज फॉर चेस्ट, दे वांट टू कंट्रोल द जुडिशियरी, दे वांट टू कंट्रोल ऑल द एजेंसीज। इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ में, हमारा पार्टी के लिए मैच ऑफ पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हॉर पार्टी और नेक्स्ट साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज अ मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जिसके लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। एक बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने आज एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि पीएम मोदी की तानाशाही अपनी इंतहा पर है, साथ ही उन्होंने ईडी की जानिब से उन्हें गलती से नोटिस भेजने पर भी तनकीद की। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया, इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने ना झुकूंगा ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे, पूरे देश के सामने ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े, इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला, अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। उमरा परमिट 4 जून तक ही जारी होंगे, सऊदी अरब की हज मिनिस्ट्री का ऐलान। उमरा जायरीन को 18 जून के बाद मक्का मुकर्रमा में दाखिले की नहीं होगी इजाजत।
हिजाब और नकाब के खिलाफ मुहिम छेड़ने वालों के मुंह पर ब्रिटिश एयरवेज का तमाचा। ब्रिटेन की कौमी एयरवेज में आज से हिजाब का ऑप्शन वाली यूनिफॉर्म का भी होगा इस्तेमाल। शीरीन मजारी समेत दिगर लीडरों के पार्टी छोड़ने पर आया इमरान खान का रद्द अमल। कहा, मेरे लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे, उन्हें जबरदस्ती ऐसा करने पर किया जा रहा है मजबूर। कर्नाटक में कांग्रेस आई एक्शन में। सीएम सिद्धारमैया ने की सीनियर पुलिस अधिकारियों के हमरा मीटिंग। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। नई पार्लियामेंट की इमारत के इनॉग्रेशन का अपोजिशन ने किया बायकॉट। संजय राउत ने कहा, सिर्फ पीएम मोदी की ख्वाहिश पर बनाया गया नया संसद भवन। और 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले को अधीर रंजन चौधरी ने बताया ना समझी भरा फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये मोदी नहीं पागल मोदी है। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताजा तरीन मजीद अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुँचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।